अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MyChicharun.com से मैं हूँ शारून परवेज़, और आज हमारे साथ मौजूद हैं MyChicharun.com के प्रोजेक्ट लीडर इमरान महबूब साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने टाइम दिया हमें, एंड वी वेलकम यू। इनसे नाज़रीन आज हम गुफ्तगू करेंगे। इन्होंने बहुत से सेक्टर्स और बहुत से डिपार्टमेंट्स को अपनी वेबसाइट में शामिल किया है, और इसके साथ ही इन्होंने गर्ल्स जोन बनाया ख़वातीन के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, उसके मुतालिक आज हम इमरान महबूब साहब से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो सेक्टर बनाया उसमें मुख्तलिफ इन्होंने हेडिंग्स दी हैं। उन्हीं हेडिंग्स की ब्रीफिंग आज इमरान महबूब साहब खुद अपनी ज़ुबानी देंगे। इमरान साहब, आपने ये जो गर्ल जोन बनाया अपनी वेबसाइट में, क्या सोचकर बनाया आपने? नंबर एक तो बहुत शुक्रिया आपका। इसमें यह है कि जिस तरह हमारे चिचावतनी में हम सब रहते हैं, तो हम सब में वो ख्वातीन भी शामिल हैं। जी ठीक है, जिस तरह लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में या किसी भी और शोबे में, इसी तरह ख्वातीन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी तो इसी को देखते हुए हमने इसी शोबे को ख्वातीन के मसाइल, ख्वातीन क्या सोचती हैं, इनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, जी उनका रहन सहन कैसा है। देखिए, जब MyChicharun.com की बात होगी तो यहाँ पे किस तरह कौन रहता है, इस ये माशरा कैसा है, ये जी लोगों वेबसाइट पे वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की जाएगी। सही। आपने अपने जो आपने जोन बनाया गर्ल जोन, उसमें आपने एक सबसे पहली हेडिंग दी है कि फेमस वुमेन। आपने ब्रीफ नहीं वहां पे किया हुआ, नहीं, वो इसमें क्या है उसमें? इसमें इस तरह है कि फेमस वुमेन जो होंगी हमारे यहाँ पे, जिस तरह मेरे जहन में, मुझे चूंकि मेरा इलम बहुत नाकस है यहाँ हवाले से सवाल चिचावतनी में, तो शायद बहुत अच्छी कोई वकील भी हों, बहुत अच्छे कोई जी टीचर्स भी हों, डॉक्टर्स भी हों, जी बिल्कुल लेकिन मुझे बेगम शनाज जावेद एक जी नाम जी याद बिल्कुल आता है वो एक सियासत में। सियासत में ना। इसी तरह जी मैं चाहता हूँ कि जिस तरह बेगम शनाज जावेद साहिबा हैं, इसी तरह और भी बहुत से लोग होंगे, और भी बहुत सी ख्वातीन होंगी, और भी बहुत सी लड़कियाँ जी होंगी जो यहाँ पे, जिनका नाम होगा, किसी ने PhD की होगी, किसी ने कोई स्पोर्ट्स में हमारे शहर के लिए कोई मेडल लिया जी जी होगा, किसी ने बिल्कुल कोई मसलन, बहुत सारी कैटेगरीज में औरतों का बहुत सारा मेन रोल रहा है। जी तो इंशाल्लाह ताला ये जो फेमस वोमेन का, या फेमस वोमेन से भी आप कह लें, गर्ल कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फेमस वोमेन में इंशाल्लाह ताला हम जो यहाँ पे कुछ नामी ग्रामी ख्वातीन हैं उन सबको ऐड करेंगे, उनके इंटरव्यूज करेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जी अगर फर्ज करें बेगम शनाज जावेद का मुझे नाम आता है, तो वो सियासत में अगर हैं तो वो कब MLA रही हैं, MP रही, या उनका क्या रोल रहा है शहर की जी बारे में, तो फेमस वोमेन में इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे। सही। आपने सेकंड नंबर पर वेबसाइट में हेडिंग दी हुई है गर्ल जोन में लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल किस टाइप का आप ऐड कर रहे हैं, या क्या उसमें लाइफस्टाइल अबाउट द गर्ल्स? लाइफस्टाइल में ये होगा कि हमारी यहाँ पे दो तीन किस्म की मेरी नज़र में ख्वातीन हैं। एक हमारे हैं शहरी, जी एक है देहाती, बिल्कुल एक है वर्किंग वूमेन, ख्वा जी वो देहात में है ख्वा वो शहर में है, जी जी कुछ घरेलू हैं कुछ वर्किंग वूमेन है। अब हमें देखना है या एक वेबसाइट पे, एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया को दिखाना है कि हमारे यहाँ ये लिबास पहने जाते हैं, जी औरत जॉब इस तरह करती है, जी ठीक है, उसमें उस देहाती उसकी ज़िंदगी यूं है कि वो अपने हस्बैंड के साथ फसलों में जा रही है, वहाँ पे काम शाम खेती बाड़ी भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, जी जानवर कोई बकरी है, कोई भेड़ है, कोई गाय है, कोई भैंस है, उसको भी साथ पाल रही है, दूध भी दो रही है, अपने बच्चों का भी ख्याल, मसलन इन सब चीज़ों को। अब ये काम जो देहाती औरत कर रही है, शहरी औरत नहीं कर रही, शहरी औरत घर में रह रही है, तो वो किस तरह रह रही है, उसका लिविंग स्टाइल क्या है, नहीं, लाइफ आप स्टाइल क्या कंपेयर है। करेंगे उनको? कंपेयर नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, इसमें हर कैटेगरी में हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि शहर के अगर फर्ज करें वर्किंग वूमेन एक टीचर है, तो वो 9 to 2 अगर 2 9 to 3 अगर वो अपनी जॉब करें, तो उनकी ज़िंदगी में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। इसी तरह कोई बैंक में जॉब करती हैं अगर, या सही किसी और फील्ड में जॉब करती है, 9 to 5 वाली के क्या मसाइल्स हैं, या वो अगर फ़र्ज़ करें एक घरेलू खातून है, तो वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारती है, उनका ड्रेस क्या है, लिबास क्या है, ठीक है, यहाँ पे फैशन अभी पैंट जीन्स तक गया है, पैंट तक गया है, या शलवार कमीज तक है, या धोती कुर्ते तक है, या मसलन रावी की साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे लोगों का लिबास थोड़ा सा और साइड वो डिफरेंट है डिफरेंट हमारे है। शहर से। फिर हमारा यहाँ पे ये यह है कि
जिस तरह मसलन घरेलू खबर एक आर्टिकल टाइप लिखा जाएगा, कुछ पिक्चर्स उसमें ऐड की जाएंगी, कुछ लोगों के इंटरव्यूज इसमें ऐड किए जाएंगे, सही तो इंशाल्लाह ताला अपने यहाँ के लोकल खवातीन के लाइफ टाइप को उजागर किया जाएगा। सही। आपने नेक्स्ट एक हेडिंग दी हुई है टैलेंट की, किस बेस का टैलेंट आप उसमें ऐड करेंगे या कैसे क्या उसमें आप कर रहे हैं टैलेंट? टैलेंट में ये है कि चूंकि ये गर्ल जोन है तो यहाँ पे तमाम लेडीज़, लड़कियाँ, ख़वातीन, कोई बूढ़ी औरत है, अगर कोई बच्ची है छोटी, तो इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा कि अगर वो अच्छी तलावत कर सकती हैं, नात पढ़ सकती हैं, वो कोई गाना अच्छा गा सकती हैं, कोई अच्छी पोइट्री उन्होंने लिखी है वो पढ़ के कर सकती हैं, सही। या किसी ने कोई अच्छा ऐसे, कोई अच्छी ड्राइंग, कोई अच्छा डिज़ाइन, सही। कोई अच्छा उनके पास मसलन किसी ने कुछ अगर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा भी ब्रिलियंट किया है, तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। हम उस टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं कि अगर किसी लड़की की पेंटिंग उसने, फ़र्ज़ करें मिसाल के कि अंडों के ऊपर एक पेंटिंग की हुई है जो जी बच्चियाँ अक्सर करती हैं, लेकिन वो अपनी पेंटिंग किसी को दिखा नहीं सकती, बिल्कुल शायद वो पेंटिंग दिखाने से अगले 100 छोटी बच्चियों में वो चीज़ डेवलप हो जाए। अगर कोई कढ़ाई में कोई अच्छा काम कर रही है, कोई सिलाई में अच्छा काम कर रही है, कोई पढ़ने में अच्छा, मसलन टैलेंट किसी भी फील्ड में है, तो वो वो अगर आप किसी और के उजागर लिए मिसले करेंगे। राह बन सकता है, तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे इंशाल्लाह। सही। ये मुश्किलात तो आपको होंगी ना, ये खवातीन का प्लेटफॉर्म है, हमारे एशिया में खास तौर पर खवातीन का बाहर निकलना, वर्क करना, आना जाना, ये बड़ा इन पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपको तो हर्डल्स पेश आई होंगी ना इसके सब हवाले से। कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, बिल्कुल ठीक है। फिर नंबर दो, जो छोटे शहर हैं या गांव हैं, इनमें एक मसला है कि लोग क्या कहेंगे, जी बिल्कुल ठीक है। नंबर दो, और भी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम वाकई आता है, बिल्कुल है। इसके लिए हम एक लड़कियों की एक टीम बनाएंगे। सही। एक आज भी एक मैडम से हमारा इस मौजू पे काफ़ी अच्छी डिबेट हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको भी इस ग्रुप में ऐड करेंगे, उनके साथ और भी लोग जो लड़कियां जी या टीचर्स या कोई डॉक्टर्स या कोई लॉयर वगैरह जो भी हैं, वो अगर उस ग्रुप में आना चाहेंगी तो इन सबको ऐड करेंगे। और मुश्किल तो होती है, अब देखें जिस तरह मैं अगर क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज में या स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जाके लेडीज़ का इंटरव्यू करना चाहूँ तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल लेकिन यही चीज़ अगर वो मैडम करना चाहें तो उनके लिए आसानी है, वो प्लेटफॉर्म आसानी से बना सकती हैं और अगले को आसानी से समझा सकती हैं। सही तो वैसे भी राइट जॉब फॉर द राइट मैन, जहाँ बिल्कुल पे जिसकी जो ड्यूटी बनती है अगर वो उसको करे तो वो ऐसे तरीके से ऑफकोर्स ज़्यादा बेहतर कर सकता है, बजाय कि हर चीज़ में मैं कहूँ कि जी हर चीज़ हम ही बेहतर कर सकते हैं, बहुत वो सारी फील्ड्स में वो हमारे से ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर सकते सही। इसमें आपने बुटीक्स का बड़ा, आप हर मीटिंग में अपने मीटिंग में कहते हैं जी बुटीक्स आ जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएंगे जी, ब्यूटी पार्लर्स ऑनलाइन हो जाएंगे हैं। जी, लोग ऐड हो जाएंगे, क्या ये क्या सिस्टम है आपका? बुटीक का मेरे पास एक प्रोग्राम है कि मेरे जहन में है कि जो भी खवातीन, जो भी बेटियां, जो भी घरों में इस तरह का काम करती हैं, अगर कोई डिज़ाइन करती हैं, तो उनके डिज़ाइन को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उनके अगर फ़र्ज़ करें, हम माई चीचा उदी की ओवरऑल बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे अगर 200, 250, 300 जितने भी गांव हैं, हम एक सही हर गांव से एक एक नुमाइंदा रखेंगे वो लड़कों में, इसी तरह सही हम लड़कियों में भी कोशिश करेंगे कि सही एक एक हमें हर गांव से नुमाइंदा मिल जाए। सही अगर किसी लड़की ने कोई बतीक बनाई है और उसके पास स्किल है और उसने कोई डिज़ाइन बनाया है, तो हम चाहेंगे कि वो डिज़ाइन उसका इस नेटवर्क में डाला जाए। सही अगर 200 गांव, 150 गांव, 300 गांव उसमें अटैच हैं, तो इसका मतलब है कि आगे 300 गांव में अगर एक एक नुमाइंदा, तो आगे उनके भी कुछ 10-10, 20-20, 50-50 लोग उसमें ऐड होंगे। सही तो इस तरह अगर उसका काम 8,000, 10,000, 15,000 लोगों में पहुंच जाए, उसकी अपनी लेडीज़ का अगर काम लेडीज़ की फील्ड में 15,000 लोगों तक पहुंच जाए, तो शायद उसको अच्छा कस्टमर मिल जाए, उसको एक और कर्ज मिले और हौसला मिले कि मैं इससे भी अच्छा काम कर सकूं। देखें घर से हमारे यहाँ पे यह है कि टैलेंट बहुत है, बजट लोगों के पास कम है। अब कोई लड़की अगर बड़ा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट काम करती है, फ़र्ज़ करें गारमेंट्स में हम लगा लेते हैं या शर्ट वो लेडीज़ रेडी करती, अगर वो सेल नहीं होती तो वो उसका उसमें फायदा नहीं। दोबारा अपने जहन में जो उसके आइडियाज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। सही तो हम, मैं चाह रहा था, मैं बुटीक पे और ब्यूटी पार्लर का तो खैर बाद में करते हैं, बुटीक पे मेरा इसलिए जोर है कि यहाँ पे लोगों के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन उस सेक्टर को, सिस्टम को
उनके पास वो नहीं है। हम इंशाल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट वो बनाती हैं, कोई करती हैं, तो वो एक उनको बेचने में, उनको अपनी प्रोडक्ट लोगों को दिखाने में आसानी हो। सही। अच्छा, इसमें फैशंस वगैरह भी आ जाएंगे, डिजाइनिंग, ये वो सब कुछ इसी में है? जी नहीं, वो बुटीक का अलग से सिस्टम है। जो फैशन का एक पेज हम यहाँ पे बनाएंगे, उसमें हम अपने कल्चर को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे शेख फाजल के करीब खुसे बहुत आला किस्म बिल्कुल के जेंट्स बनते में मिलते हैं, इस हैं। तरह लेडीज़ पे भी हैं। सही। इस तरह और भी हमारे फैशन में कढ़ाई का काम है, कुछ हमारा कल्चरल काम है। इस तरह दुल्हन वगैरह के जो मलबूसात होते हैं शादी के, अरूसी जो हैं, उनमें भी बहुत सारा यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर मसलन लोकल हमारा औरतों में जो फैशन है, खा वो जेवर की शक्ल में हो, खा वो चूड़ियों की शक्ल में, रिंग वगैरह, या जो भी आप गुलबंद जो भी इसमें निकालें, वो सब कोई प्लेटफॉर्म देंगे इंशाल्लाह। सही। और अगर कोई लड़की, कोई औरत, कोई मसलन घर पे डिजाइनिंग करती है किसी भी फील्ड में, तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर ले। आप अपना भी फाइनेंशियल सिस्टम रखेंगे इसके साथ, इस सेक्टर के साथ? आपको भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा इससे? और जाहिर बात है, इसमें अगर आप इसको मार्केटिंग की इस्तलाह में देखेंगे जी तो इसमें वेबसाइट को भी फ़ायदा होगा, सही। और 1% हम उनके साथ बना लेंगे कि अगर आपको इतना क्लाइंट मिलेगा सही। तो अगर आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, तो उसका बेनिफिट ये है कि जो बंदा वहाँ पे बिकवा रहा है या जिस वेबसाइट के थ्रू रहा है, एक छोटा सा मार्जिन उसके लिए भी इसमें हाईलाइट वो सही। कर दिया जाए अगर मुख्तस, तो उसमें कोई इशू नहीं। मेरे ख्याल उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सही। अगर आप देखें ना, जो एक सिस्टम में आप इसको कह लें कि डिजिटल मार्केटिंग टाइप कह लें, लेकिन जी ये उस वक्त होगी कि उनसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये प्रोडक्ट बिकने पे हो सकता है सही। कि जब उसकी हौसला अफजाई भी हो गई, उसके पास पैसे भी आ गए, तो फिर उसमें से कोई वेब शेयर हो जाए तो वो उसमें कोई मजायका भी नहीं है। सही। इवेंट्स आपने रखे इसमें, एक एड आपका चल रहा है, हेडिंग चल रही इवेंट्स की, किस किस्म के इवेंट्स? आपने मुख्तलिफ स्कूल जो इवेंट्स करवाते हैं, कॉलेजेस इवेंट्स करवाते हैं, या आप खुद ऑर्गेनाइज करवाएंगे इवेंट्स नहीं, गर्ल्स के खुद हवाले से? हम ऑर्गेनाइज नहीं अभी करवाएंगे, या अभी फिल वक्त ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। सही। लेकिन जो स्कूल्स करवाते हैं, या जो कोई प्राइवेट सतह पे किसी का शादी में कोई इवेंट है, कोई ऐसा है कि वो वीडियो अपनी दिखाना चाहते हैं कि हमारा ये कल्चर है, सही। हमारा, क्योंकि फैमिलीज़ का, एरियाज़ का अपना अपना कल्चर है। फिर जिस तरह स्कूल्स में मीना बाजार टाइप होता है, जी बिल्कुल। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर कोई डिबेट का कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, या कोई ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, कोई सेमिनार टाइप इवेंट हो रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इन सारों को, फोकस हमारा ये है कि इन सबों को कवरेज दे के अपनी वेबसाइट पे लाया जाए। आपने इसको शुरू कर लिया इस सेक्टर को, गर्ल जोन को? गर्ल्स ऑन स्टार्ट है जी, ये सही हमने आज मैडम से आपको बताया, मीटिंग हुई है। सही इससे पहले तो मैंने इसको पेंडिंग में डाला हुआ था, सही। इसको लास्ट पे रखेंगे या थोड़ा सा डिले करेंगे, इसका आपने कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया इसका गर्ल्स के लिए? वो अभी आज मैडम से जो बात हुई है, सही, तो उम्मीद है कि हमारे मतलब ये टीम आपकी पेंडिंग टीम, में ही ना? हाँ अभी टीम पेंडिंग में है, इसको वो बना रहे हैं या इस पर डिस्कस अभी चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला करीब वो मैडम के साथ मिलके हम इसका एक पैनल तैयार कर लेंगे। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल गर्ल जोन के बारे में, ये कि आप इसको बना देते हैं, ओवरऑल चीजें आ जाती हैं, एक इज्तमाई बेनिफिट बताएं इसका, कि चीचा वतनी में खवातीन को इसका क्या फायदा होता है, जो आप ब्रॉड व्यू से देखते हैं? मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक लड़की के लिए मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। अगर वो अपनी एक प्रोडक्ट बना लेती है, तो वो उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती, वो लोगों को दिखा नहीं सकती। अगर उसके घर पे 2-3 दफ़ा कोई नॉक करके वो प्रोडक्ट देख ले, तो मोहल्ले वाले या उसके घर वाले खुद तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। तो ये किस तरह का प्लेटफॉर्म होगा कि जिसमें खवातीन का फैशन से लेकर पोइट्री, उनकी शायरी, उनकी सिंगिंग, जो भी उनके शौक होंगे या जिस तरह भी वो कैटेगरीज होंगी, ये सब के लिए प्लेटफॉर्म होगा कि सारा सारा कुछ, जो जो वो मुश्किलात, इसमें अभी ब्लॉग्स होंगे, जी सही। ठीक है, उसमें ये है कि वो अपनी मर्जी से उसमें लिख सकती हैं, रेसिपीज वगैरह लिख सकती हैं सही। खाने पकाने के बारे में, या जी, वो जो आपने भी एक कुकिंग जोन भी बनाया हुआ ना, गर्ल्स कुकिंग जोन में ही गर्ल, बना हुआ, हाँ जी, सेक्टर बना हुआ। वो पकवान का हो के नाम से मैंने ये सही बनाया, जी। उसमें हमारे यहाँ पे जो रेसिपीज लड़कियाँ खुद बनाती हैं, डालडा की या वो बुक से डाउनलोड करके सही। नहीं, जो खुद से बनाती हैं, वो उसके बारे में वो लिखें, और उसके अज्जा, उसकी तरकीब, उसकी तस्वीरें वो हमें सेंड करें। अगर हो सके तो वैसे भी सेंड कर दें, लेकिन अगर वो तस्वीरें भी सेंड करें, तो हम उनके नाम से पकवान का लगाएंगे। इस तरह घरेलू टोटके हैं सही लेडीज का, आपको पता है वो जुगाड़ जुगाड़ लगाती रहती हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उसके, फिर घरेलू आरइश है कि
कि वो घर को खूबसूरत किस तरह कर सकती हैं, जिसके पास जो आइडिया वो शेयर करे शायद वो उसके काम भी आ रहा है, किसी 10 बंदों और के साथ भी काम आ सकता है। सही सही। आखिर पर ये भी बताते चलें, इस्लामिक स्कॉलर्स जो खवातीन होती हैं मजहबी, उनका क्या रोल प्ले कर सकती हैं, वो है आपके पास इस चीज जी, की भी इसके स्पेस है? लिए ये है कि हम मजहबी खवातीन जो हैं उनका ये है कि इस्लाम और खवातीन के नाम से एक हेडिंग हम इसमें बनाएंगे, सही उसमें वो लड़कियों को, औरतों को, या मसलन उसमें जो उनके मसाइल्स हैं या जो उनकी बातें हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है सही या किसी बारे में जो भी मसलन खवातीन उस पर डिस्कस कर सकती हैं, उसकी इस्लामी एक राय है, जो वो सारा उसमें लगाएंगे। इस तरह इसमें एक है मेरी कहानी। सही, मेरी कहानी में ये वो होगा, तो आपके ब्लॉग में शामिल है ब्लॉग आई में, थिंक। ब्लॉग में जी, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना इस्लाम और औरत, ये भी जी, ब्लॉग में ये है, ब्लॉग है। ये भी ब्लॉग का सही हिस्सा है। तो उसमें आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, मेरी कहानी में आप अपने नाम को बदल के जो आपको मुश्किल आई, एक टीचर है वो, अगर वो टीचर बनने तक जो उनको मुश्किल आई, या एक फैमिली है वो स्ट्रगल कर रही है उसको कोई मुश्किल आई, तो जी ये उसमें मेरी कहानी में उसको वो लिख सकते हैं, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म होगा मेरी कहानी का। फिर इसमें नाज़रीन, ये इमरान महबूब साहब जो बड़े वसी नज़रियात के मालिक हैं, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ऐसा प्रोजेक्ट, इस नौयत का प्रोजेक्ट चीचावत्ती में कभी ना किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, ना लॉन्च हुआ, और ना इसका किसी को आइडिया था। ये इनका बहुत एक ब्रॉड माइंडेड व्यू है जो इन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, और हम इस चीज़ को सर अप्रिशिएट करते हैं आपके इस वर्क को। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, सर हम आपके साथ हैं इस प्रोजेक्ट में, और क्रिटिसिज्म एक अलग मैटर होता है, वो तो चलती रहती ना जी, साथ साथ। क्रिटिसिज्म का या क्रिटिसाइज को करे भी तो कम अज कम मैंने जिस तरह आपको वो पहले भी सही बताया था कि उस चीज का कम अज कम मेरे पे कोई असर नहीं होता, उसकी वजह कि मेरे एक अपना नजरिया है, मेरी एक अपनी सोच है, मेरी ना जी मैं अपनी सोच किसी पे हावी करता हूँ या इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करता हूँ, जी ना मैं किसी की सोच को अपने पे अडॉप्ट करता हूँ। सही ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको कबूल कर लेता हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसको छोड़ देता हूँ। अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं या करेंगे भी, तो वो भाई क्रिटिसाइज वालों की मर्जी, वो करते रहे ना करें उससे कम से कम मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। गर्ल जोन के मतलब और क्या कहना चाहते हैं आप, क्या इसमें और क्या मजीद इंप्रूवमेंट आएगी? इसमें अभी देखें ये मेरा आइडिया है, सही मैं खुद चूंकि मैंने अब इस चीज़ को क्लोजली वॉच नहीं किया हुआ गर्ल जोन का, मतलब जी मैंने तो वो मुशाहदात इसमें लिखने की कोशिश की है जो मेरे सामने मुझे नज़र आते हैं। अब जब लड़कियां, औरतें या मुख्तलिफ लोग इसमें ऐड होंगे, जी मुख्तलिफ मतलब देहात से, गांव से, टीचर, बैंकर, डॉक्टर, तो उससे ये होगा कि वो खुद मुझे एजुकेट करेंगे कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह ताला, मैंने आपको जैसे बताया कि आज हमारी एक मैडम से मीटिंग हुई थी, सही तो उन मैडम के साथ मिलके या उस टीम के साथ मिलके हम इसको, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ हम इस पे ही काम करेंगे, सही हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें सही रिव्यू भी कर सकते हैं, इसमें एक मशावरत के साथ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट खवातीन का है तो मेरे जी ख्याल में इसको हेड भी खवातीन को करना चाहिए बिल्कुल और ये बनना भी ऐसे चाहिए कि जैसे खवातीन चाह रही हूँ। सही 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 अब जिस तरह बहुत बॉयज जोन है, बॉय कॉर्नर है, जी बॉयज कॉर्नर में जिस तरह फिर लड़के चाहेंगे, कोई वो हैंड फ्रीज हो, कोई बैट हो, कोई वो ब्रेसलेट्स हो, कोई चीजें हो, कोई स्टाइल्स हो, कोई कैप्स हो, कोई जो वो उनसे डिस्कस किया जाएगा। सही, गर्ल जोन लेकिन में जो है गर्ल वो जोन इन में चूंकि इनका गर्ल्स हैं तो वो सही जिस तरह कहेंगी उस तरह इसको डिजाइन, अब जिस तरह इसमें मेहंदी के डिजाइन मेरी एक सोच है वो इसमें रखे जाएंगे, फिर और भी इस तरह की चीजें वक्तन फवक्तन इसमें ऐड करते रहेंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको 2020 कहता हूँ कि इंशाल्लाह 1 जनवरी 2020 को मैं कहूंगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, अब वेरी इसको गुड, जिसको मर्जी दिखाएं, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, सही, जल्दी में किया हुआ काम ना वो कितना जल्दी पायदार का काम होता शैतान का ना जी। है। थैंक नहीं, ये बहुत अच्छा सर आपका प्रोजेक्ट है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया टाइम यू, देने के लिए, एंड थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच।